हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आपकी स्किन इंस्टेंट ब्राइटन अप हो जाएगी। जस्ट लुक एट माय स्किन। मैंने वही वाला फेस मास्क ट्राई किया था, बल्कि मैंने एक दिन पहले ही से ट्राई किया और आज ये नेक्स्ट डे है। एंड लुक एट द टेक्स्चर ऑफ द स्किन, इट इज रियली वेरी सॉफ्ट। तो अगर आपको भी इंस्टेंट सॉफ्टनेस चाहिए ना चेहरे पे, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, किसी फंक्शन पे या किसी की कोई पार्टी है एंड ऑल, कहीं भी आपको बाहर जाना है तो एक बार इस फेस मास्क को लगाना। उसके बाद आपकी स्किन इतनी अमेजिंग हो जाएगी ना कि आपको हैरान हो जाओगे देख के। आपको रिजल्ट्स में दिखाई रही हूँ कि मैंने जैसे इस फेस मास्क को लगाया था ना और इसे जब मैंने रिमूव किया तो आप ग्लो देखो क्या अमेजिंग आता है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी और पूरा का पूरा फेस मास्क बनाकर दिखाऊंगी और इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और ग्लो भी दिखाऊंगी कि इससे आपका चेहरा कितना अच्छे से ब्राइटन अप हो जाता है। तो अगर आपको भी अपने फेस पे वो ग्लो चाहिए, वो ब्राइटनेस चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना ताकि आप ये फेस मास्क बनाओ, इसे यूज करो और आपके चेहरे पे भी वो अमेजिंग वाला ग्लो आ जाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत अमेजिंग हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट और प्लम्पी हो जाए, तो इस फेस मास्क को ट्राई करना जरूर बनता है। इसे जरूर ट्राई करना। एक बार ट्राई कर लोगे ना, फिर बार बार करोगे, क्योंकि ये इतना कमाल का फेस मास्क है ना, कहीं भी आपको बाहर जाना हो तो एकदम से लगाओ और उसके बाद आप जाओगे ना, कोई नहीं कह पाएगा कि आपने फेशियल नहीं कराया, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा ग्लो आता है आपके चेहरे पर। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे प्रिपेयर कैसे करना है, इसे लगाना कैसे है, ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। वीडियो को जरूर एंड तक देखा करो ताकि आपके मन का जो डाउट है ना वो निकल जाए, प्लस आपको ये पता चल जाए कि फेस मास्क को आपने अप्लाई कैसे करना है, किस कंसिस्टेंसी में बनाना है। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ ये सुन लेते हैं ये मिलाना है, ये मिलाना है, ये मिलाना है, लेकिन उसे ऐड कैसे करना है, किस कंसिस्टेंसी में ऐड करना है और आपका जो फेस मास्क है वो कैसा होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में ही होते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से सुना करो ताकि आपको भी उतना ही बेनिफिट मिले जितना कि मुझे मिलता है इस फेस मास्क का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज करने हैं हमें। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, बीट रूट पाउडर। आप नेचुरल बीट रूट भी ले सकते हो, उसका हमें जूस स्क्वीज करना है। अगर आपके पास नेचुरल बीट रूट नहीं है तो आप इसका बीट रूट का पाउडर भी यूज कर सकते हो। बीट रूट पाउडर में बहुत सारे स्किन केयर बेनिफिट्स होते हैं, विच मेक्स योर स्किन ग्लो। सेकेंड थिंग इज ओट्स फ्लोर, यानी कि ओट्स का आटा। ओट्स एक बिल्कुल नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज है सब यू निकाल देता है और इससे आपके स्किन पे बहुत अच्छे ब्राइटनेस भी आती है, तो इसीलिए हम इसे भी यूज करेंगे। थर्ड थिंग इज जो हम यूज करने वाले हैं आज, कर्ड, यानी कि दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज बना देता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने का काम करता है, इसलिए हम यूज करेंगे दही। फोर्थ थिंग इज हनी। हनी क्यों यूज करते हैं? हनी आपकी स्किन में नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, जिससे कि आपकी स्किन पे ये जो प्लम्पीनेस होती है ना, ये देखो जो आप देख रहे हो ना, तो ये प्लम्पीनेस अगर आपको चाहिए ना तो यूज हनी इन द फेस मास्क। ये आपके फेस मास्क को और भी ज्यादा अच्छा बना देती है क्योंकि हनी आपके नेचुरल मॉइस्चर को बना के रखती है, जिससे कि आपकी स्किन और भी ज्यादा अमेजिंग, ग्लोइंग और सॉफ्ट हो जाती है। और हमें साथ में ऐड करना है इसमें वाटर, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पानी कितना ऐड करना। तो चलो चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है, एक चम्मच ओट्स फ्लोर, वो हमें ऐड कर लेना है इसमें। एक चम्मच आपको लेना है बीट रूट पाउडर, एक चम्मच आपको लेना है दही और एक ही चम्मच आपको लेना है हनी। आपको सभी प्रोपोर्शन 1:1:1:1 में लेना है। फिर आपको ऐड करना है इसमें वाटर। आपको वाटर उतना ऐड करना है जिस हिसाब से आप इधर कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि आपका फेस मास्क कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा रनिंग फेस मास्क नहीं बनाना है कि जो आपके फेस से गिरता रहे। हमें ऐसा फेस मास्क बनाना है थोड़ा सा थिक, जो कि आपके फेस पे अच्छे से स्टिक हो जाए और जिससे कि आपके फेस पे बहुत ही अमेजिंग वाला ग्लो भी आए। तो जब आपका फेस मास्क रेडी हो जाएगा ना, आप देख सकते हो आपका कैसा होना चाहिए फेस मास्क। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉश योर फेस कम्प्लीटली। अच्छे से अपने फेस को धो लेना, क्योंकि कभी भी गंदे चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपका फेस डैमेज हो जाता है, क्योंकि जितने भी उसके अंदर अभी ऑयल है, अगर आपके फेस पे डस्ट है, पॉल्यूशन है, तो वो सब आपके पोर्स के अंदर चली जाएगी। तो ये गलती भूल के भी मत करना। सबसे पहले कभी भी फेस पैक आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से करना है क्लीन। आप चाहो तो अपने रेगुलर फेस वॉश से कर सकते हो, DIY फेस वॉश यूज कर सकते हो, रॉ मिल्क यूज कर सकते हो, एनीथिंग यू विश टू लाइक। बस आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है। तो फेस को क्लीन करने के बाद आपने इस फेस मास्क को अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। ऑल ओवर द फेस। अगर आपको जैसे आपके नोज के अराउंड ब्लैकिशनेस है या लिप्स के अराउंड, तो आप यहाँ पे हर जगह इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना, कोई भी आपने एरिया छोड़ना नहीं है। बच जाए तो इसे नेक पे भी लगा लेना, क्योंकि अगर हम फेस पे लगाते हैं तो फेस और नेक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए आप दोनों जगह अप्लाई करना। आप देख सकते हो, देखो मेरे फेस का कलर और मेरे हैंड का कलर भी सेम है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? जब हम अपनी स्किन की अच्छे से केयर करते हैं। तो अगर आप भी स्किन केयर लवर हो ना, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अच्छी अच्छी रेमेडीज में शेयर करते हो ना, वो आप भी यूज करो और आपकी स्किन भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाए। क्योंकि ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं होता। मेरी स्किन भी पहले नॉर्मल ही थी, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे मैंने इसकी केयर करनी स्टार्ट की ना, तो डे बाय डे रिजल्ट आपके सामने है। आई एम ग्लोइंग डे बाय डे। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं जो भी रेमेडी ट्राई करती हूँ ना, मैं फटाफट से उसकी वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपके पास भी वो रेमेडी आए, आप भी उसे यूज कर सको और उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी उठा सको। फेस पैक को लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट से किसी अपना मैजिक दिखाने दो अपनी स्किन पे। उसके बाद आपको इसे वॉश कर देना है नॉर्मल वाटर से, और ग्लो देख के आप खुद हैरान हो जाओगे। जब आप अपने फेस को क्लीन करोगे ना, आप खुद देख के एक बार सोचोगे कि हाँ यार, इतना अच्छा फेस पैक था ये। अब आप इसे खुद अपने लिए ट्राई करना, फिर कमेंट सेक्शन में आके मत भूलना बताना कि अगर आपने इस फेस पैक को यूज किया था तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।